फाइनली गाइज हमारे पास है आईफोन 16 जो बेस वेरिएंट 128 GB। यहाँ पे मैंने परचेज किया हूँ ऑफलाइन, और यहाँ पे बता दूं मेरे पास जितना भी एप्पल प्रोडक्ट है ना, मैं प्रिफर करता हूँ ऑफलाइन परचेज करने के लिए। मेरे पास है मैकबुक है, आईपैड है, आईफोन 2 या 3 आईफोन है, उसके साथ एप्पल वॉच मेरे पास है। सारे प्रोडक्ट मैंने ऑफलाइन परचेज किया हूँ और काफी मुझे ट्रस्ट है ऑफलाइन परचेज करने में। और ऑनलाइन इतना महंगा परचेज करना मतलब थोड़ा ट्रस्ट इशू हो जाता है, तो इसीलिए मैं यूनिकॉर्न से परचेज किया हूँ। आपको पता होगा एप्पल की ऑथराइज्ड रीसेलर, यहाँ से मैंने परचेज किया हूँ और जिस प्राइस रेंज में मुझे आईफोन 16 मिला ना गाइज। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, यहाँ पे देख सकते हो ये है आईफोन 16 अल्ट्रा मेराइन कलर में, जो ब्लूइश कलर है, थोड़ा लाइट में आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हो ये जिस प्राइस रेंज में मुझे मिला है ना, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल या फिर अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में भी इस प्राइस रेंज के साथ नहीं मिलेगा गाइज। हाँ, मैं कुछ ऑफर्स यूज किया हूँ, कुछ बाईबैक्स भी यूज किया हूँ, जो मैं आपको लास्ट में इस प्राइस रेंज भी आपको रिवील कराऊंगा, पूरा ब्रेकडाउन कराऊंगा कितने में मेरे को पड़ा और कैसे मैं इसको इतना कम प्राइस में अवेल किया। वीडियो को एंड तक देखिए गाइज, और थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको बता देना चाहूंगा। ये मैंने ऑफलाइन लिया हूं, तो मैं वहां पे अनबॉक्स करना पड़ता है, ऑफलाइन फोन एक्टिव भी करना पड़ेगा, और मैंने बायबैक किया हूं तो बैकअप भी लेना पड़ा, तो साथ में सारे काम एक साथ में हो गया, एक्टिव करा लिया था। फिर भी आप अनबॉक्सिंग वीडियो देख लीजिए पहले। तो आप देखे गाइज, मैंने इसको अनबॉक्स भी किया था वहीं पे, साथ ही साथ मैंने बायबैक लिया था तो फोन मुझे देना पड़ा, तो उसका बैकअप मैंने इंस्टेंटली मेरे इस आईफोन को ले लिया। और एप्पल की इकोसिस्टम इतना बढ़िया है कि आप वहीं पे आपके सारे डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे कि एक आईफोन से दूसरे आईफोन को ट्रांसफर करना कैसा है, मैंने बस जस्ट QR कोड को स्कैन किया और मेरा सारे डाटा लाइक व्हाट्सएप डाटा के साथ बैंकिंग डाटा सारे ट्रांसफर हो गया दूसरे आईफोन पे। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज, मेरा आईफोन बूट हो चुका है और मैंने इसको प्रॉपरली सेटअप भी कर चुका हूँ। और ये आईफोन 16 अभी आउट ऑफ द बॉक्स ये iOS 18 में मिल रहा है गाइज। और आपको पता होगा आईफोन 16 आपको एप्पल इंटेलिजेंस के साथ आ रहा है, जो AI फीचर्स सारे भरा गया है। मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा, और साथ में कुछ कैमरा सैंपल भी आपको दिखा दूंगा अभी, बट इन डेप्थ कैमरा रिव्यू एक बहुत जल्दी आ जाएगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। और कलर की बात करें तो ये अल्ट्रा मेराइन जो ब्लूइश कलर में आता है, बट फिजिकली बहुत बढ़िया है। मैं आईफोन 13 मिनी यूज करता था, उसमें से यहाँ पे जंप किया तो मतलब मेरे को यहाँ पे डायनामिक आइलैंड भी मिल गया,
जो मेरे लिए ये बहुत बड़ा अपग्रेड है। और पर्सनली मैं रिव्यू के लिए ये फोन नहीं लेता हूँ, मतलब आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाने के लिए नहीं लेता हूँ, क्योंकि हजारों वीडियो मिल जाता है यूट्यूब में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। मैं पर्सनली यूज करने के लिए ही आईफोन लिया था। और इस बार क्या न्यू है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे जो बड़ा पॉइंट है यहाँ पे गाइस देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा और एक बटन, जिससे आप अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा कैमरा, और अगर आप थोड़ा प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको जूम ऑप्शन एनाबल हो जाता है। 0.5x से लेके 10x तक यहाँ पे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो गाइस। साथ में अगर कैमरा में आपको यहाँ पे एक राइट कॉर्नर में एक ग्रिड दिख रहा है, यहाँ पे ग्रिड में आपको कलर ट्यून को चेंज कर सकते हो। लाइक आपको वार्म टोन चाहिए, कूल टोन चाहिए, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। इस साल की ये नया अपग्रेड है। साथ में आपको फोटो खींचना है, यहाँ पे फोटो क्लिक कर सकते हो। सबसे एक इजी काम ये है कि आप वर्टिकल वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो यहाँ पे गाइज वर्टिकल के टाइम में भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। बहुत यूजेबल फीचर्स है। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप वीडियोग्राफी के लिए ये फोन ले रहे हो, तो ऑडियो का एक ऑडियो मिक्सिंग ऑप्शन दिया गया है। आप वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद भी आप ऑडियो को एनहांस कर सकते हो, ऑडियो को स्टूडियो फीचर्स में ले सकते हो। आउटडोर ऑडियो में बहुत सारा नॉइजेस है तो आप उसको फिल्टर भी कर सकते हो, जो ऐसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो गाइज, मैंने एक अभी वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ और यहाँ पे मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, और साथ में यहाँ पे देख सकते हो एडिट ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, और उसके साथ ऑडियो मिक्स करके एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड है, उसके बाद इन फ्रेम है, फिर यहाँ पे स्टूडियो है, यहाँ पे सिनेमेटिक है। ये चारों फॉर्मेट में आप ऑडियो को सुन सकते हो। किस लेवल की ऑडियो आउटपुट मिल रहा है आप गाइज जज कर सकते हो। तो हेलो गाइज, कैसे यहाँ पे हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है आप चेक कर सकते हो गाइज। तो हेलो गाइज, कैसे यहाँ पे हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है आप चेक कर सकते हो गाइज। तो हेलो गाइज, कैसे यहाँ पे हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है आप चेक कर सकते हो गाइज। तो हेलो गाइज, कैसे यहाँ पे हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है आप चेक कर सकते हो गाइज। ये है बहुत बढ़िया फीचर्स। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए ये बहुत यूजेबल फीचर्स है। इस साल की सबसे बड़ी अपग्रेड है कि चिपसेट, यहाँ पे आपको A18 चिपसेट देखने मिल रहा है, जो 3 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है गाइज। रैम तो कभी एप्पल नहीं बताता है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8GB रैम आपको दिखने मिल रहा है, और जो बेस वेरिएंट है वो 128GB स्टोरेज के साथ मिलता है। तो चलिए गाइज, यहाँ पे आप लोग जिसके लिए इस वीडियो को क्लिक किए हो ना, मुझे पता है आप लोग प्राइस जानना चाहते हो कि कैसे आप इस प्राइस रेंज के साथ आईफोन 16 खरीद पाया। तो गाइज, मैं इससे पहले आपको मैं कैलकुलेटर निकाल देता हूं। यहां पे आपको कैलकुलेटर निकाल दिया, तो यहां पे इसका MRP कितना है आप बताइए। 79,900। अगर आपके पास SBI की क्रेडिट कार्ड है, या फिर कोटक की क्रेडिट कार्ड है, या फिर ICICI की क्रेडिट कार्ड है, तो वहां पे 5,000 इंस्टेंट डिस्काउंट आपको देखने मिलेगा। तो 79,900 से माइनस कर दीजिए 5,000, तो यहां पे आपको कितना मिला, 74,900। उसके साथ गाइज, मैं आपको पहले बता दिया था कि मैं बायबैक किया, और ऑफलाइन में बायबैक करने का फायदा यह है कि आपको जितना भी जो भी फोन आप रीसेल कर रहे हो, उसको ट्रेड इन कर रहे हो, उसके साथ आपको एक्सचेंज बोनस भी मिलता है। मेरा एक आईफोन 13 मिनी, पहले से मैंने आपको बताया था 13 मिनी मैं यूज कर रहा था, उसको मैंने बायबैक किया तो मेरे को 25,000 मिला। मैं उसको पैसा मुझे नहीं दिया, तो मेरा जो प्राइस था उससे कट हो गया, तो माइनस कर देता हूं मैं 25,000, तो यहां पे मुझे मिला 49,900। अभी गाइज मेरे पास है GST, मैं एक बिजनेस ओनर हूं तो मेरे पास है GST। अगर आपके पास GST नहीं है तो ये फायदा आपको मिल नहीं सकता है। GST में आपको 18% MRP से माइनस हो जाएगा गाइज। हाँ,
हाँ, यहाँ पे मैं बता दूं, जो जीएसटी की बेनिफिट है वो डिस्काउंट नहीं मिलता है, जीएसटी क्रेडिट मिलता है। मैं आईटीसी रिटर्न जब लूंगा, जब जीएसटी में फिल करूंगा, वो क्रेडिट मेरे को इनपुट मिल जाएगा। मैं उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूँ, बट इनडायरेक्टली मैं उसको यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको याद रखिए 49,900, उसके साथ मैं आपको 18% माइनस करके दिखाता हूँ, 14,382 रुपीस। तो याद रखिए यहाँ पे कितना था, 49,900 था, उससे आप 14,382 माइनस कर दीजिए तो बचता है गाइस 35,518 रुपीस। तो यहाँ पे मैंने तीन ऑफर यूज करके ये आईफोन को लिया हूँ 35,500 के साथ। बट आप देख लीजिए आपके पास कौन सा ऑफर आप यूज कर सकते हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड है कि नहीं, या फिर आपके पास कुछ पुराना फोन है, या फिर जीएसटी नंबर है। ऐसा अगर दो तीन ऑफर लगाएंगे ना, तो काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस के साथ आपको आईफोन 16 मिल सकता है। इस प्राइस रेंज के साथ फ्लिपकार्ट में भी नहीं मिलेगा, अमेजन में भी नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस, ये था कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कैसे आप इस फोन को लोअर प्राइस में खरीद सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।